जो आप सभी का डाउटनट पर बात कर रहे हैं बेटा जी, यहाँ पर किसकी? वनस्पति जगत की यानी प्लांट किंगडम की, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, थैलोफाइट्स, जिसमें हमने शैवाल पढ़ी थी। तीनों प्रकार के थैलोफाइट्स हमने, तीनों प्रकार के हमने थैलोफाइट्स देख लिए थे, यानी तीनों प्रकार की शैवाल देख ली थी हमने, हरी, भूरी, लाल, ये हम पढ़ चुके हैं। यानी पहला समूह हमने पादप जगत के वर्गीकरण का यानी थैलोफाइट्स पढ़ लिया। अब आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो बच्चों आज हम बात करेंगे किसकी, ब्रायोफाइट की। पढ़ेंगे आज ब्रायोफाइट और उससे संबंधित आएगा लास्ट में क्या, क्विज। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना? ब्रायोफाइट पढ़ना। लेकिन उससे पहले आपको याद है ना, हमने पादप जगत यानी वनस्पति जगत, देखो ये तो मैं हमेशा लाता रहूंगा, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मेरे को अच्छा लगता है, मैं दिखाता रहूंगा आपको। देखो ठीक है क्या, ये बारिश आ रही है और पेड़ पत्ते हिल रहे हैं। ओहो, बहुत ही बढ़िया मौसम है जी, पकौड़े खाने का, चाय पीने का है। चलो जी बातें नहीं करते ठीक है। वनस्पति जगत की बात कर रहे थे भैया। वनस्पति जगत का हमने वर्गीकरण किया था, क्रिप्टो गेम्स, फिनेरो गेम्स, ये आपको याद है, क्रिप्टो गेम्स वो बीज रहित, फिनेरो गेम्स बीज युक्त, ये भी बार बार बताऊंगा ताकि ये याद रहे। इसके अंदर तीन तरह के पादपों को सम्मिलित किया गया था, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, यहां पर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। हमने सबसे पहले क्या पढ़ लिया, थैलोफाइट पढ़ लिया। अब आज बारी है किसकी, ब्रायोफाइट की। आइए स्टार्ट करते हैं, किसके बारे में पढ़ना, इनके। ओए होए 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 होए, कैसा लग रहा है, बढ़िया लगा बताओ, अच्छा लगा कि नहीं लगा, मस्त लगा कि नहीं लगा? कहां है सर ब्रायोफाइट? सर ये तो पानी का झरना है। हाँ झरना है, लेकिन इसी पानी के साथ साथ ये जो चट्टाने जो आपको दिखाई दे रही है, इन चट्टानों पर कई बच्चे बोलते काई है सर, ये काई, काई नहीं है मेरे भाई, ये काई नहीं है मेरे भाई, ये क्या है बेटा जी, ये चट्टानों पर, ये हैं कौन, ब्रायोफाइट्स, ये हैं कौन, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो इतना तो आपको आइडिया लग गया कि ब्रायोफाइट जो है वो कहां पर मिल रहे हैं। आइडिया लग गया क्या, पानी में मिल रहे हैं या पानी के आसपास मिल रहे हैं? सोचो, सोच लिया? चले आइए बिंदु दर बिंदु आपने चीजें लिखते जाना है, किसके बारे में, ब्रायोफाइट के बारे में। सबसे पहला बिंदु बेटा जी यहां पर ध्यान से सुनना, फर्स्ट बिंदु, सबसे पहला बिंदु ध्यान से सुनिएगा, ब्रायोफाइट शब्द जो है, ब्रायोफाइट शब्द जो है वो किसने दिया था? तो याद रखना, ब्रायोफाइट शब्द जो है वो दिया था एक वैज्ञानिक जिनका नाम है रॉबर्ट ब्रॉन, याद रखिएगा। तो रॉबर्ट ब्रॉन, रॉबर्ट ब्रॉन, ब्रॉन ब्रॉन ब्राउन नहीं, ब्रॉन, वो वैज्ञानिक है जिन्होंने शब्द दिया था क्या, ब्रायोफाइट। ठीक है सर, सिंपल सा याद हो जाएगा। चलो दूसरा बिंदु, मैं सीधा सीधा आपसे पूछता हूं, ब्रायो लॉजी क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए? अब इतना तो पता होना चाहिए कि लॉजी, लॉजी आ रहा है, लॉजी, लॉजी क्या होता है, एजी ओजी, लॉजी सुनोजी, मैं हूं मनमोजी, ब्रायोलॉजी, जल्दी से मुझे बताओ क्या होना चाहिए, ब्रायोलॉजी क्या होना चाहिए, सीधा लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन। तो सीधी सी बात है, ब्रायोफाइट का अध्ययन जो होता है उसे हम क्या बोलेंगे, सीधा सीधा सर ब्रायोलॉजी। मैंने कहा वेल डन, बहुत ही बढ़िया। अब ये जो ब्रायोलॉजी जो होती है यानी ब्रायोफाइट का अध्ययन जो होता है, ब्रायोलॉजी के जनक कौन है, यानी वो सर्वप्रथम वैज्ञानिक जिसने ब्रायोफाइट्स का अध्ययन किया होगा वो कौन है? तो याद रखना बेटा जी, उनका नाम हेडविग, भूल मत जाइएगा ठीक है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से याद होगा ये हेडविग। आप मुझे बताओ अंग्रेजी में मैं सिर को क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे सर हेड, है ना, और मैं अगर गंजा हो जाऊं तो मैं क्या लगाऊंगा, सर विग, तो हेड पर क्या लगाई, सर विग, तो हेड विग। ठीक है, तो हेड विग कौन, जनक किसके, ब्रायोलॉजी के। ठीक है सर, सिंपल सा। अब मैं आपसे एक और बिंदु पूछता हूं, भारतीय, भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक, भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक, भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक कौन है?
तो आपने याद रखना बेटा जी, खराब बाल ना ले दादा। अब आप बोलेंगे ये तो है, ये है पूरे विश्व में माने जाने माने कौन जनक किसके ब्रायोलॉजी के। अब हम पर्टिकुलरली बात करें जो जिसने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक जिसने भारत में सबसे पहले अध्ययन किया होगा ब्रायोफाइट्स का, वो कौन है? तो वो है बेटा जी, याद रखना, भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक है कौन? शिव राम कश्यप, याद रखना, शिव राम कश्यप। ठीक है, तो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर शिव राम कश्यप, ये हैं कौन? भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक। हेडविक ब्रायोलॉजी के जनक, ब्रायोलॉजी क्या? ब्रायोफाइट का अध्ययन। रॉबर्ट ब्रॉन ने सबसे पहले शब्द दिया था ब्रायोफाइट। बताएं यहां तक के मात्र दो बिंदु, सिंपल से ये दो बिंदु आपको समझ में आ गए हैं, चले आगे पक्का। अब आप मुझे बताएं, अभी अभी पहले जो मैंने आपको ये एनिमेशन दिखाया था ये वाला, इससे आपको क्या पता लगा? मेरे ख्याल से आप लोगों ने इतना तो सोच लिया होगा, ये कहां पर मिलते हैं, ये ब्रायोफाइट्स कहां पर मिलते हैं, क्या ये नमी, जहां पर नमी होगी वहां पर मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। जहां पर छाया होगी वहां मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। जहां आसपास पानी होगा वहां मिलेंगे? यस मिलेंगे। ऐसी मृदा, ऐसी मिट्टी, ऐसी चट्टाने जहां आसपास पानी होगा वहां मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? यस मिलेंगे, मिलेंगे ना। तो मैंने यहां पर दो बिंदु बताए, अब तीसरा बिंदु आप खुद देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। क्या ये पहाड़ियों पर सीलन वाले स्थान पर, सीलन यानी जहां पर रिस रिस कर पानी आ रहा है, वो जगह सीलन वाली होती है, नम छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्या ये पूरी की पूरी लाइन आपको क्लियर हुई या नहीं हुई बताए? क्या ये वहां पर मिलेंगे जहां पर नमी है, जहां पर सीलन है, जहां पर पानी है, जहां पर छाया है, है ना? पहाड़ी इलाके जहां पर ठंडक होती है, पानी गिर रहा है ना? तो ऐसे क्षेत्रों में मिलते हैं कौन? आपके ब्रायोफाइट्स। सिंपल सा था, चले आगे। अभी ध्यान से सुनना, याद रखना, ऐसे पादप, ऐसे पेड़, ऐसे वनस्पति जो ऐसे क्षेत्रों में मिलते हैं ना, इन क्षेत्रों में जो मिलते हैं, ऐसे पादपों को याद रखना, ऐसे पादपों को बोला जाता है, याद रखना, भूल मत जाना बेटा, ऐसे पादपों को हम नाम देते हैं स्कियोफाइट। ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछे कि भैया स्कियोफाइट क्या होते हैं, कोई भी आपसे पूछे कि स्कियोफाइट क्या होते हैं, तो आप तुरंत आंसर देंगे स्कियोफाइट। फाइट जहां पर आ जाए, फाइट, फाइट मतलब वो फाइट नहीं, फाइट का मतलब पादप। ठीक है, स्कियोफाइट जहां पर भी शब्द आ जाए, स्कियोफाइट का मतलब ऐसे पादप जो कहां पर मिलेंगे, छाया, नमी, सीलन, ऐसी जगह पर, ठंडे इलाकों में मिलेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? स्कियोफाइट बोलते हैं। सिंपल, चले आगे। अब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, क्या ये सर्वप्रथम स्थलीय पादप है? सोचो, दिमाग लगाओ, मैं वापस से दिखा देता हूं। देखो, आपको याद आ रहा होगा हमने शैवाल पढ़ी थी, ये सब थैलोफाइट पढ़े थे। शैवाल कहां मिल रही थी सर? पानी में। कहां मिल रही थी? पानी में। आप मुझे बताएं, क्या ये पानी के अंदर मिल रहे हैं? नहीं सर, ये चट्टानों पर तो मिल रहे हैं, यानी चट्टाने या नम मृदा, ऐसी मृदा, ऐसी मिट्टी जिसमें नमी है वहां पर मिल रहे हैं, यानी ये स्थलीय तो है सर, स्थलीय तो है, स्थल पर तो आए हैं, लेकिन क्या ये वास्तविक स्थलीय पादप है? वास्तविक स्थलीय पादप है, ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट है, क्या सर्वप्रथम स्थलीय पादप थे? याद रखना, नहीं, ये स्थलीय पादप नहीं होते हैं। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहां पर, इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। प्रभु, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, नीट की दृष्टि से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे प्रश्न बनता है। अब आप मुझे बताएं, आप में से कितने बच्चों ने ये शब्द सुना है, उभयचर? ये नवी दसवीं कक्षा में शब्द आ जाता है, उभयचर। उभयचर जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एम्फीबियन, एम्फीबियंस। क्या मतलब होता है एम्फीबियन? अंग्रेजी में बोलते हैं एम्फीबियन, हिंदी में बोलते हैं उभयचर। आपने मेंढक देखा ना, मेंढक पानी में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है, सुना? मेंढक क्या है? एक उभयचर होता है। तो उभयचर शब्द जो होता है, ये प्राणियों के लिए यानी एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है।
ठीक है। अब हमने बोला कि ये जो है ब्रायोफाइट, इन्हें ना पादप जगत का यानी वनस्पति जगत का बोला जाता है, क्या उभयचर बोला जाता है, यानी क्या ये पानी में और स्थल पर दोनों जगह मिलेंगे? यस, ऐसा भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, पानी स्थल दोनों जगह मिल रहे हैं, या मैं बोलूंगा ऐसी जगह मिल रहे हैं जहां पर पानी है। अब आप खुद सोचिए भाई, खुद सोचिए, ये मिट्टी है, ये स्थल है और इसके पास ये पानी है, ठीक है। अब यहां पर अगर ये उग रहे हैं, इस जगह पर ये उग रहे हैं जहां ये स्थल और जल दोनों के संपर्क में है, स्थल के भी संपर्क में है और जल के भी संपर्क में है। कुछ सोचिए, यहां पर जो मैं ये वापस से दिखाऊंगा, बार बार दिखाऊंगा, स्थल के भी संपर्क में है, जल के भी संपर्क में है, स्थल के भी संपर्क में है, जल के भी संपर्क में, देखो यहां पर स्थल के संपर्क में, जल के संपर्क में, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं बेटा जी, पादप जगत का उभयचर बोलते हैं, क्योंकि स्थल और जल दोनों के संपर्क में है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे क्या ये वास्तविक स्थलीय पादप है, क्या पूर्ण रूप से स्थलीय पादप है? नहीं, ये स्थलीय पादप नहीं है। क्यों? क्योंकि जरा सोचिए, क्या ये जल पर निर्भर नहीं है? दिमाग लगाओ, सोचो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, सोचो, क्या मैं इन पादपों को ये बोल सकता हूं कि ये पूर्ण रूप से स्थल पर मिल रहे हैं, इनको जल की जरूरत नहीं है? ये जल के पास भी है, स्थल पर भी है, जल पर भी है, स्थल पर भी है, जल पर भी है, स्थल भी चाहिए, जल भी चाहिए। अब जल क्यों चाहिए, जल क्यों चाहिए? तो याद रखना, क्योंकि ये स्थल पर आए थे किंतु लैंगिक जनन करने के लिए। क्या करने के लिए प्रभु? याद रखना, लैंगिक जनन करने के लिए इन्हें जल की आवश्यकता होती है, यानी ये जल पर निर्भर होते हैं। मैं वापस से दिखाऊंगा, ये बार बार दिखाऊंगा, देखो वापस से देखो, ये ब्रायोफाइट्स हैं, ये ब्रायोफाइट्स हैं, ये स्थल पर हैं, ये स्थल पर हैं, लेकिन ये पूर्ण स्थलीय नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको आवश्यकता है किसकी? जल की। क्या करने के लिए? जनन करने के लिए, यानी जल से दूर नहीं मिलेंगे, यानी उस जगह पर मिलेंगे जहां पर, उस स्थलीय क्षेत्र में मिलेंगे जहां आसपास पानी है, ऐसी जगह नहीं मिलेंगे जहां पानी नहीं। अब आप जरा सोचिए, आपको बाहर पेड़ दिखाई दे रहे हैं, हाँ, क्या पानी होता है उनके आसपास? ठीक है, भूमिगत जल नीचे होता है, मैं बोल रहा हूं क्या आसपास इस तरीके से मिलते हैं, ऐसे ऐसे मिल रहे हैं आपको पादप? नहीं। क्यों? क्योंकि पानी की आवश्यकता होती है किसको? इन पादपों को। याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा, ऐसे पादपों को किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। तो इसीलिए बेटा जी हमने इनको क्या बोला है? पादप जगत का उभयचर, पादप जगत का एम्फीबियंस। क्यों बोला? क्योंकि ये स्थल पर तो है, लेकिन कैसे स्थल पर? वो स्थलीय इलाका जो जिस जो जो पानी के आसपास होएगा। तो सिंपल शब्दों में बोला, ऐसे पादप, ऐसे पादप, ये वो पादप है मान लेते हैं जिनको स्थल भी और जल भी दोनों चाहिए, स्थल भी चाहिए और जल भी चाहिए, यानी ये एक ऐसे इलाके में है जहां पर स्थल के आसपास जल है। जल क्यों चाहिए था? भूल मत जाना, क्योंकि क्या करना है? लैंगिक जनन करना है, ठीक है। अब प्रश्न आपका आएगा, क्या सर हम इनको पूर्ण स्थलीय पादप बोल सकते हैं? क्या सर हम इनको पूर्ण स्थलीय पादप बोल सकते हैं? सोचिए, क्या मैं इनको पूर्ण स्थलीय पादप बोल सकता हूं? चौथा बिंदु, चौथा बिंदु, ध्यान से सुनना, बिंदु दर बिंदु चीजें याद रखनी है, चौथा बिंदु यही है ना, इसी बिंदु को ही मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या क्या मैं इनको पूर्ण स्थलीय, पूर्ण स्थलीय पादप बोलूंगा? नहीं, पूर्ण स्थलीय पादप बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये जल पर निर्भर है। भाई आप खुद सोचिए, पूर्ण स्थलीय का मतलब जो पूर्ण रूप से स्थल पर मिल रहे हैं, आसपास कोई पानी वानी नहीं है, उनको हम बोलते हैं पूर्ण स्थलीय, है ना? ये पूर्ण स्थलीय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जल पर निर्भर है। किस चीज के लिए? लैंगिक जनन के लिए, ठीक है। और जो पूर्ण स्थलीय पादप होते हैं ना, पूर्ण स्थलीय जो आपको स्थल पर दिखाई दे रहे हैं, है ना, उनमें जड़े होती है। ये सर जड़े होती है, जिनमें कहीं ना कहीं आपने नाम सुना होगा, जाइलम फ्लोएम, नाम सुना है ना, जाइलम फ्लोएम। क्या बोलते हैं? संवहन बंडल, संवहन ऊतक बोलते हैं।
क्या लेती है वो जाइलम, जड़ों से वो जो जाइलम जो होती है वो जल को खींचते हुए ऊपर लेकर आती है, नहीं लाती है, लाती है ना। अब जरा सोचिए ये पूर्ण स्थलीय नहीं है, क्यों? क्योंकि इनमें संवहन मंडल भी नहीं है। याद रखना, इनमें संवहन ऊतक या संवहन मंडल नहीं होते, ना संवहन मंडल है और ये पूर्ण स्थलीय नहीं है, क्योंकि ये जल पर भी निर्भर है और इनमें संवहन ऊतक भी नहीं है। इस कारण हम इनको बोलते हैं कि ये पूर्ण स्थलीय पादप नहीं है। क्या ये सिंपल सी बात समझ में आई? अपने ऊपर है, अपने ऊपर अपनाया करो हर एग्जांपल को। क्या मैं एक पेड़ हूं? हाँ जी हूं। मैं कहां पर मिल रहा हूं? एक ऐसी छाया, नमी वाला दलदली इलाका जहां पर मिट्टी भी है, पानी भी है आसपास, वहां पर रुक रहा हूं। ठीक है, स्थल भी है और जल भी है। मैं पूर्ण रूप से स्थल पर नहीं उग पा रहा था। क्यों नहीं उग पा रहा था? मेरे पास संवहन मंडल नहीं थे और मुझे जल के पास उगना पड़ रहा है। क्यों उगना पड़ रहा है? क्योंकि मुझे आगे अपनी पीढ़ी को बढ़ाना, यानी लैंगिक जनन करना है। तो पूर्ण रूप से स्थल ये नहीं हूं। ये दो कारण थे, बताओ खत्म खल्ला से इतनी सी बात समझ में आ गया। तो ये चौथा बिंदु ही था जिसको मैंने कंटिन्यू किया है यहां पर। अब बारी आ रही है पांचवें बिंदु की। अब बारी आ रही है किसकी? पांचवें बिंदु की। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, समझने वाली चीज है, इसको गौर से सुनिएगा। देखिएगा, इनके अगर मैं शरीर की बात करूं, इनके अगर मैं शरीर की बात करूं, गौर से सुनिएगा, आप मुझे बताएं ये क्या है। इनका शरीर की अगर मैं बात करूं ये क्या है, याद करिए, थैलोफाइट का शरीर जो था, क्या वो तने में, क्या वो पर्ण में, क्या वो मूल में विभेदित था? नहीं था। क्या कहला रहा था ऐसा शरीर? क्या कहलाता है जो पर्ण में, मूल में, तने में विभेदित यानी विभाजित नहीं होता, ऐसे शरीर को हमने क्या बोला था? सर, थैलस बोला था। क्या यहां पर भी शरीर थैलस के समान है? यस। यहां पर भी शरीर किसके जैसा है? सर, थैलस के जैसा। ये रहा थैलस, लेकिन थोड़ा सा ना भिन्नता है। किससे? थैलोफाइट से। आप तो बोलेंगे सर फिर तो ये बिल्कुल थैलोफाइट के जैसे हो, बोलेंगे ना सर फिर तो ये बिल्कुल थैलोफाइट के जैसे हो गए। भाई इनका शरीर भी थैलस है, थैलोफाइट का शरीर भी थैलस था, फिर तो इनको थैलोफाइट समूह में रखना चाहिए। थोड़ी सी तो भिन्नता होगी ना। क्या इनके इस शरीर पर कुछ धागे नुमा संरचनाएं मिल रही है, दिखाई दे रही है? अब ये जो धागे नुमा संरचनाएं जो होती है, ये धागे नुमा संरचनाएं मूल नहीं है, मूल के समान है, जिसको हम मूल सम, मूल, मूल जानते हैं ना, मूल का मतलब रूट्स, जड़े, जड़ों को हम क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं। मूल सम का मतलब मूल के समान, नॉट वास्तविक मूल, वास्तविक मूल नहीं, मूल के जैसी संरचना, मूल सम संरचना। ठीक है, ये तना नहीं है लेकिन हम इसको तना मान के चलते हैं, तना सम संरचना। और कुछ, ध्यान से सुनना, सभी में नहीं, कुछ ब्रायोफाइट्स में हल्की हल्की कुछ पत्ती रूपी संरचना भी मिल जाती है। सभी में नहीं मिलती है, ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को, सभी में नहीं मिलती है, सभी में नहीं मिलती है, कुछ में मिलती है। अब आप बोलेंगे सर कौन से कुछ में, वो अभी आएगा बताऊंगा, लेकिन याद रखना, क्या पर्ण सम संरचना भी मिल जाती है। तो अब आप जरा सोचिए, क्या ऐसा लक्षण थैलोफाइट में था? क्या सोचो, क्या ऐसा लक्षण थैलोफाइट में था? क्या लाल शैवाल, भूरी शैवाल, हरी शैवाल में ऐसा कोई लक्षण हमने देखा कि मूल के जैसी, तने के जैसी, पर्ण के जैसी, जैसी, नॉट वास्तविक, याद रखना, वास्तविक नहीं, उनके हो सकता है जैसी संरचना यहां पर मिल रही है। ठीक है, तो क्या ऐसा लक्षण थैलोफाइट में था? नहीं था, लेकिन यहां पर मिल रहा है। किसमें? ब्रायोफाइट में। हालांकि ये शरीर विभेदित नहीं कहलाएगा, विभेदित यानी पूर्ण रूप से वैसी संरचना मिलना, जैसे एक पादप जो आप बाहर देख रहे हो उसमें पूर्ण रूप से मूल मिल रही है, पूर्ण रूप से तना मिल रहा है, बिल्कुल अलग तना मिल रहा है, पत्तियां दिखाई दे रही है, ऐसी संरचना यहां पर विभेदित नहीं मिल रही है, यानी वास्तविक मूल नहीं मिल रही, वास्तविक तना नहीं मिल रहा, वास्तविक पर्ण नहीं मिल रहे, उनके जैसी मिल रही है। इसलिए शरीर अभी भी क्या कहलाएगा? प्रभु, याद रखना, थैलस ही कहलाता है। शरीर क्या कहलाएगा? सर थैलस कहलाता है। मैंने कहा ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। चलो, तो ये थे बेटा जी हमारे सिंपल से पांच बिंदु। कितने बिंदु हो चुके हैं? पांच बिंदु। एक बार रिवाइज करा दूं फटाफट, जल्दी से आइए देखिए। चलो,
ब्रायोफाइट की बात कर रहे थे, जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहली चीज, ब्रायोफाइट शब्द किसने दिया? रॉबर्ट ब्रॉन ने। ब्रायोफाइट का अध्ययन, ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी के जनक बेटा जी आपके हेडविक, भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक शिवराम कश्यप। यहां तक हमने ये दो बिंदु देखे। तीसरा बिंदु मैंने बताया आपको कि भैया ये मिलते कहां पर है, मैंने आपको बताया कि ये कहां पर मिलते हैं, छाया, नमी वाले इलाकों में, सीलन वाले इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, जहां पर पानी पहाड़ों से आ रहा है, पहाड़ों से पानी आ रहा है, वहां पर ऐसे इलाकों में ये मिलते हैं। ठीक है, अब हमने बोला इन्हें पादप जगत का उभयचर क्यों बोला। उभयचर का मतलब क्या होता है? जो स्थल और जल दोनों से संबंध दिखाते हैं, जैसे मेंढक उभयचर होता है, लेकिन वो प्राणी हमने इस जगत को बोला है। याद रखना, अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोला मैंने? ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, यानी पादप जगत का उभयचर कहा जाता है किसको? ब्रायोफाइट्स को। क्यों? क्योंकि ये स्थल और जल दोनों से संबंध दिखा रहे हैं। स्थल पर आए तो हैं, लेकिन पूर्ण रूप से स्थलीय नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि ये जल पर टोटली निर्भर है, जल पर निर्भर है, याद रखना। ठीक है, तो क्या मैं इनको वास्तविक स्थलीय पादप बोलूंगा? नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये जल पर निर्भर है। किस चीज के लिए? लैंगिक जनन करने के लिए, जनन करने के लिए जल पर निर्भर है। और इनमें संवहन ऊतक भी नहीं होते। जो वास्तविक स्थलीय पादप होते हैं ना, उनमें संवहन ऊतक होते हैं, उनमें संवहन बंडल होते हैं, उनमें जाइलम फ्लोएम होते हैं, इनमें नहीं है। तो सीधी सी बात है, ये बिना पानी के रह नहीं सकते। समझ में आया? तो ये दो कारण थे जिसकी वजह से हमने बोला ये पूर्ण स्थलीय पादप नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा सोचा करो, सोचोगे ना तो ये दोनों बिंदु भी समझ में आ जाएंगे। मैं बिल्कुल अकेला बिना पानी के स्थल पर मिल रहा था, अब कैसे रह सकता हूं स्थल पर? जब मैं नीचे से पानी खींच लूंगा, नीचे से कैसे खींचूंगा? मेरे पास संवहन बंडल होने चाहिए, तभी तो मैं बिना आसपास जल के रह सकता हूं स्थल पर, है ना। अब ये बिना आसपास जल के नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि इनके पास संवहन बंडल नहीं है। अब जल के पास क्यों रह रहे हैं? क्योंकि इनको जनन करना है। ये दो कारण थे, इस वजह से ये पूर्ण स्थलीय नहीं है। फिर हमने बात करी इनका शरीर भी थैलस के जैसा ही होता है, यानी पूर्ण रूप से विभेदित नहीं होता। पूर्ण, याद रखना, पूर्ण रूप से विभेदित नहीं होता। पूर्ण रूप से किसमें? तने में, मूल में, पत्तियों में, लेकिन हाँ, हल्की फुल्की उनके जैसी कुछ मामूली सी संरचना इनमें दिख जाती है। वास्तविक नहीं होती है, उनके जैसी थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की समानता दिखने वाली संरचनाएं मिल जाती है। पत्तियों के समान, तने के समान, मूल के समान ऐसी संरचनाएं मिल जाती हैं। हालांकि शरीर अभी भी क्या कहलाएगा? थैलस कहलाएगा। तो ये थे सिंपल से बेटा जी पांच बिंदु। आगे बढ़ते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु जो मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आता, वो है क्या? इनका जीवन चक्र। किसका? ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल। अब ये ब्रायोफाइट की ना यहां पर लाइफ साइकिल दिखा रखी है। अब ये जो दिखाई हुई है, ये आप बाद में देखना, पहले मैं समझाऊंगा फिर उसके बाद देखना। ठीक है, आइए बेटा जी, क्या देखने वाले हैं? ब्रायोफाइट का जीवन चक्र, यानी ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल। जीवन चक्र, जीवन चक्र को अंग्रेजी में लाइफ साइकिल बोलते हैं। ठीक है सर, आइए अब देखते हैं, ध्यान से सुनना। देखिए, आपको याद आ रहा है ये चैप्टर जब मैंने स्टार्ट कराया था ये वाला, तो मैंने वनस्पतियों के कुछ लक्षण बताए थे सामान्य, याद आ रहा है? जिसमें मेरे को अभी भी याद है, नाइन्थ बिंदु क्या था? आप में से कितने बच्चों को याद आ रहा है नवा बिंदु क्या था? वनस्पति जगत के सामान्य लक्षण जब हम देख रहे थे, तो नाइन्थ बिंदु मैंने आपको एक आखिरी बिंदु बताया था और बोला था ये समझ में नहीं आता है क्या? पीढ़ी एकांतरण, याद आ रहा है? क्या बताया था? पीढ़ी एकांतरण बोला था ना, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी उसके जैसी नहीं होती है, फिर उससे अगली वाली पहले के जैसी होती है, याद आ रहा है? ऐसा कुछ बताया था, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण, वो यहां पर आने वाला, अब ध्यान से सुनना। देखिएगा बेटा जी, ब्रायोफाइट का क्या पढ़ने वाले हैं? जीवन चक्र पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज, आप में से कितने बच्चों को याद है दो शब्द, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद? कितने बच्चों को याद है जरा जल्दी से मुझे बताएं, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद, याद आ रहे हैं ये शब्द? याद आ रहे हैं? भूले तो नहीं है? पक्का? चल देखिए, ब्रायोफाइट का जब हम जीवन चक्र देखेंगे, तो मैं यहां पर डायग्राम से बनाऊंगा और यहां पर मैं लिखूंगा। लिखिएगा, क्या लिख रहा हूं मैं? मैंने लिखा कि इनका मुख्य पादप शरीर जो है उसका नाम है क्या? याद रखना,
युग्मकोद भिद, यानी ब्रायोफाइट्स का जो पादप, जो शरीर जो हमें दिखाई देता है, जो मेन प्लांट बॉडी है, मुख्य शरीर जो है किसका, इनका, उसका नाम है युग्मकोद भिद। क्या नाम है याद रखना है बेटा जी, युग्मकोद भिद। ठीक है, आइए देखते हैं। ये है, मान लेते हैं कौन बेटा, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको युग्मकोद भिद दिखा रहा हूं। ठीक है, कहां पर है युग्मकोद भिद, सर पानी के पास होगा, बिल्कुल। ये किस पर निर्भर रहते हैं, आप सीधा बोलेंगे सर ये तो पानी पर निर्भर रहते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, पानी के अंदर नहीं, पानी के आसपास स्थल पर होगा ना। यस सर, ये पानी है, ये जल है। ठीक है सर, जल है, जल ही जीवन है। ठीक है सर, जल है, और यहां पर मान लेते हैं ये है मुख्य पादप शरीर। थोड़ा सा नीचे बना देते हैं ताकि जगह मिल जाए। थोड़ा सा नीचे बना देते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए और जगह भी मिल जाए। सर ये स्थल है, हाँ जी स्थल है। सर ये जल है, मैंने कहा आहो जी बहुत ही बढ़िया। चल, जल स्थल और दोनों से संपर्क साधने वाला इनका मुख्य शरीर, ध्यान से देखना, इनका मुख्य शरीर थैलस के समान था। यस सर, थैलस के समान था, जिसपे कुछ हल्की हल्की मूल के जैसी संरचनाएं थी। हाँ, मूल सम भी संरचनाएं थी। ठीक है, ठीक है, हल्की हल्की पत्तियों के जैसी भी संरचनाएं, चलो मान लेते हैं थी। ठीक है, ठीक है। अब ये है मुख्य पादप शरीर, जिसको हमने बोला है क्या, युग्मकोद भिद। ये है युग्मकोद भिद। ठीक है, अब याद करिए, मैंने आपको जब वो नवा लक्षण बताया था तो मैंने दो शब्द लिए थे, क्या, पीढ़ी एकांतरण में, पादपों में जब पीढ़ी एकांतरण होता है तो दो प्रकार का शरीर बनता है, दो प्रकार का शरीर होता है, एक का नाम होता है युग्मकोद भिद और एक का नाम होता है बीजाणु भिद। दोनों में अंतर क्या बताया था, याद करिए, युग्मकोद भिद हमेशा अगुणित होता है, याद रखना। मैं अंग्रेजी में भी बता दूंगा इनको क्या बोलते हैं, पहले हिंदी में ध्यान से सुनना, क्या, युग्मकोद भिद हमेशा कैसा होता है, अगुणित होता है, यानी इसकी कोशिकाएं जो होंगी, ध्यान से सुनना, इसकी जो कोशिकाएं होंगी कैसी होंगी, अगुणित होंगी। अब प्रभु ये मत कहना अगुणित क्या होता है, क्योंकि ये आप चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, बता चुका हूं आपको अगुणित का मतलब क्या होता है, जानते हैं आप, सेल वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, हाँ जी, इनका मुख्य पादप शरीर है कौन बेटा जी, ब्रायोफाइट का, याद रखना, भूल मत जाना, प्रश्न बनता है, मुख्य पादप शरीर कौन होता है, युग्मकोद भिद कैसा होता है, अगुणित होता है, यानी उसकी कोशिकाएं कैसी होती है, अगुणित होती है। ठीक है सर, डंडना डंडन, आगे चलते सर। अब देखिए, इस शरीर पर प्रभु, ध्यान से देखिएगा, मान लो ये वाला भाग जो है, कौन सा, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग है और एक ये वाला भाग है। ठीक है, ये दो जगह आपको दिखाई दे रही है अच्छे से। ठीक है सर, दिख रही है ना। ठीक है सर, एक ये क्षेत्र है और सर एक ये क्षेत्र है। ठीक है, अब ये जो दो है ना, ये है लैंगिक अंग। कौन है बच्चों, ये है लैंगिक अंग, ये है, ध्यान से सुनिएगा, मादा लैंगिक अंग, ये वाला क्षेत्र क्या कहला रहा है, या नर लैंगिक अंग बोल देता हूं, नर लैंगिक अंग, या इसको मैं यहां नहीं लिखूंगा, नहीं तो जगह नहीं मिलेगी, यहां पर लिख देता हूं, यानी इस युग्मकोद भिद पर, ये युग्मकोद भिद था, ध्यान से सुनना, देखो आराम से सुनना, तभी समझ में आएगा, जल्दबाजी नहीं, ये है युग्मकोद भिद। ठीक है, इस पर दोनों लैंगिक अंग मिल रहे हैं, कौन, नर लैंगिक अंग भी
और मादा लैंगिक अंग भी। ठीक है, अब बेटा जो नर लैंगिक अंग जो होता है उसका नाम होता है, भूल मत जाना, पुंधानी। याद रखना, क्या बोलते हैं? पुंधानी। ठीक है, और जो मादा लैंगिक अंग होता है उसका नाम होता है स्त्रीधानी। याद रखिएगा, पुंधानी कौन? नर लैंगिक अंग, और स्त्रीधानी कौन? मादा लैंगिक अंग। अब मान लेते हैं ये है पुंधानी, ठीक है, और ये है स्त्रीधानी। ठीक है सर, समझ में आ गया। मुख्य पादप शरीर कौन? सर मुख्य पादप शरीर का नाम है युग्मकोद्भिद, जिसकी कोशिकाएं कैसी होती है? अगुणित होती है। यानी इसके शरीर में हर कोशिका कैसी है? अगुणित है। हर कोशिका कैसी है? अगुणित है। बताओ, यहां तक की बात समझ में आ गई? नो प्रॉब्लम, चले आगे। हर कोशिका कैसी है? सर अगुणित है। डंडन अडंडन, जिसमें नर लैंगिक अंग का नाम है पुंधानी, मादा लैंगिक अंग का नाम है स्त्रीधानी। ये है पुंधानी, ये है स्त्रीधानी, इनकी कोशिकाएं कैसी है? सर अगुणित है। यहां पर कोशिका कैसी है? सर अगुणित है। एन 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 एन, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये अगर लैंगिक अंग है तो ये लैंगिक अंग क्या उत्पन्न करेंगे? सर युग्मक करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। क्या उत्पन्न करेंगे? सर ये उत्पन्न करेंगे युग्मक। मैंने कहा हां जी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या उत्पन्न करेंगे? सर युग्मक उत्पन्न करेंगे, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से जो युग्मक उत्पन्न होते हैं, किससे? नर लैंगिक अंग से जो युग्मक उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम नर युग्मक बोलते हैं, उनका नाम है पुमंग। ध्यान से सुनना, पुमंग कौन है? नर युग्मक। ठीक है, और यहां से जो युग्मक उत्पन्न होता है उसका नाम है अंड। क्या नाम है? अंड, जिसको हम बोलते हैं मादा युग्मक। ठीक है सर। अब आप मुझे बताएं, आप कोशिका विभाजन चैप्टर पढ़ चुके हैं, आपका फर्ज बनता है आंसर देने का। युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, और ये जो शरीर जो था इसकी कोशिका तो अगुणित थी, यानी पुंधानी जो थी इनकी कोशिका अगुणित थी। अब जरा सोचिए, पुंधानी की कोशिका अगुणित है, स्त्री धानी की कोशिका अगुणित है, और इन्हीं से ही नर युग्मक अगर पैदा हो रहा है, और नर युग्मक भी और मादा युग्मक भी कैसे है? अगुणित है। तो अब आप मुझे बताएं कौन सा विभाजन हुआ होगा? प्रभु सोच समझ कर मुझे बताएं, अर्धसूत्री के समसूत्री, अगुणित से अगुणित ही बन रहे हैं, तो कौन सा विभाजन हुआ होगा? तो याद रखना, मैंने आपको बताया था, याद करिए, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था कोशिका कोशिका विभाजन, तो उसमें मैंने आपको बताया था, याद करिएगा क्या, कि जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है युग्मकों का निर्माण करते समय अर्धसूत्री विभाजन ही हो, समसूत्री भी हो सकता है। आप खुद से देख सकते हैं, यहां पर समसूत्री विभाजन हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। अब वो बच्चे जो सीरियसली नहीं पढ़ रहे उनको नहीं समझ में आएगा, और एक्सपेक्ट भी मत करना कि मैं उनको बार बार ये चीज बताऊंगा, क्योंकि हजार बार बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं ये चीज। ठीक है, तो अगर आप बोलेंगे कि समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, बेटा जी ये आपकी मिस्टेक है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि लेक्चर लंबा हो, जरूरी है कि आपको समझ में आना चाहिए, ये भी चीज याद रखना, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं सर 1 घंटा 20 मिनट, सर 2 घंटा, सर इतने घंटे, सर इतने घंटे। प्रभु, मैं अगर आधा घंटा भी पढ़ाऊंगा ना, अगर उसमें भी आपने कंसंट्रेशन से सुन लिया और उसमें से भी अगर प्रश्न आ गए तो वो सफिशिएंट है। समझ में आया? तो इंपॉर्टेंट इज नॉट टाइम, टाइम हमारे पास अभी है, ढेर सारा है, बात है समझ कितना आ रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए जी। सर ये तो समझ में आ गया, यहां पर ये बने हैं युग्मक, और कौन से विभाजन से बने हैं? समसूत्री विभाजन से बने हैं। सर ये बन चुके हैं, ठीक है। अब मान लो यहां से निकला क्या? पुमंग निकलेगा ना, और यहां से क्या निकलेगा? अंड निकलेगा। सर किस में निकलेंगे? सोचिए क्या है भैया? जनन कराना है, लैंगिक जनन कराना है। लैंगिक जनन का मतलब जहां पर नर और मादा युग्मक निषेचन करेंगे, जुड़ेंगे, फ्यूज होएंगे। सोचिए यहां से ठा
गिर गया, कौन गिरा? अंड यहां से ठा गिर गया, कौन? नरयुग्मक। ये नरयुग्मक, ये मादा युग्मक किसमें गिर गए? सर पानी में। आहो लो जी, किसमें गिर गए? सर पानी में गिर गए। ये नरयुग्मक शुक्राणु के जैसा दिखा दिया, ये मादा युग्मक। अंड ये पुमंग, सोची गेर दिए कहां पर? सर पानी में गेर दिए। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, यहां से गेर दिए, पूंधानी से पुमंग गेर दिए, स्त्री धानी से अंड गेर दिए, है ना। अब क्या होता है, ये एक्चुअली पानी में गिरता है, ठीक है। अब क्या होता है ना, ये जो होता है ये तो होता है अचल, और ये होता है चलायमान। कैसा होता है ये? चलायमान होता है, चल सकता है। कौन चल सकता है? नरयुग्मक। अब ये चलता हुआ, चलना मतलब तैरेगा। अब सीधी सी बात है, यहां से तैरता हुआ ये किसके पास आया? अंड के पास आया, और अंड के पास आकर, अंड के पास आकर, ध्यान से सुनना, अंड के पास, अंड के पास आकर उससे जुड़ जाएगा। ये सर जुड़ गया, बहुत ही बढ़िया, जुड़ गया। और जुड़ने से, इन दोनों के जुड़ने से क्या बनेगा? सर सीधी सी बात है, नर युग्मक और मादा युग्मक जब जुड़ते हैं तो इनके जुड़ने से जो संरचना बनती है उसे हम बोलते हैं युग्मनज। मैंने कहा लो जी बहुत ही बढ़िया, दोनों जुड़ गए थे। दोनों क्या हो गए थे? सर जुड़ गए थे। हाँ जुड़ गए, ठीक है। दोनों के जुड़ने से जो संरचना बनी है उसका नाम क्या है? सर युग्मनज है। मैंने कहा वेल डन, इन दोनों के निषेचन से, क्या? इन दोनों के निषेचन से। मैं इस चीज पर इसलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, इन दोनों के निषेचन से, निषेचन से, निषेचन यानी नर और मादा युग्मक जब फ्यूज होते हैं, जुड़ते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। निषेचन क्या बना? सर युग्मनज। अब आप खुद सोचिए, एक अगुणित कोशिका, अगुणित कोशिका जब दोनों जुड़ जाएंगी तो जो कोशिका बनेगी वो कैसी होगी? सर द्विगुणित। तो ये जो बना है ये कौन है? सर ये युग्मनज है, और ये कैसा है? द्विगुणित है। और सर ये है स्थल, वापस से ये कौन है? सर ये स्थल है। मैंने कहा ठीक है। अब इस स्थल पर देखिएगा एक और ब्रायोफाइट मिल रहा था। सोचो एक और ब्रायोफाइट, जैसा यहां पर ब्रायोफाइट था ऐसा ही यहां पर एक और ब्रायोफाइट मिल रहा है। मैंने कहा ठीक है जी, एक और मिल रहा था, जैसे ये मिल रहा है युग्मकोद्भिद, ऐसे ही एक और युग्मकोद्भिद था, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये भी युग्मकोद्भिद है, ये भी युग्मकोद्भिद है, ठीक है सर। ये सर क्या बन गया? सर ये युग्मनज बन गया। अब ये युग्मनज किस पर आया? सर स्थल पर आया, ठीक है, आया स्थल पर, और ये विभाजन करता जा रहा है, आया स्थल पर, हाँ जी आ गया, और क्या करता जा रहा है? सर ये विभाजन करता जा रहा है, और विभाजन करते 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 ये एक संरचना बना दी इसने। किसने? सर ये था युग्मनज, ये युग्मनज। अब ये युग्मनज क्या था? सर एक कोशिका, द्विगुणित कोशिका थी, जो इन दोनों कोशिकाओं के जुड़ने से पैदा हुई थी। अब ये युग्मन धनाई धन, धनाई धन, क्या करता जा रहा है? सर विभाजन करता जा रहा है, और विभाजन करते 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 इसने एक संरचना बनाई। क्या बोला हमने? विभाजन करते 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 इसने एक संरचना बना दी, ये वाली, ठीक है। अब ये संरचना जो है, ध्यान से देखिएगा, ये जो संरचना जो है, ये संरचना जो युग्मनज के विभाजन से बनी है, युग्मनज के विभाजन, भाई एक कोशिका लग, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ इस तरीके से नंबर ऑफ कोशिकाएं क्या होती जा रही? बढ़ती जा रही, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाएगी तो एक संरचना पैदा हो रही है, और ये संरचना है अगली पीढ़ी।
क्या है ये? अगला शरीर है। एक था ये शरीर और ये है अगली पीढ़ी का शरीर। अब आप खुद सोच समझ कर मुझे बताएं ये क्या होएगी। मैंने आपको बताया था पीढ़ी एकांतरण, बताया था। एक ये शरीर था, इससे अगली पीढ़ी आई है, क्या नाम होएगा इसका? इस शरीर का नाम क्या था? सर आपने बोला कौन युग्मक उद्भिद, अब आप मुझे बताएं इस शरीर का नाम क्या होएगा? तो आप सीधा बोलेंगे सर बीजाणुद्भिद। क्या नाम होएगा? बीजाणुद्भिद। मैंने कहा जी ठीक है, बहुत ही बढ़िया, नो प्रॉब्लम। अब मैं इस बीजाणुद्भिद को लाल रंग से लिख देता हूं ताकि बेटर लगे, बीजाणुद्भिद। अभी अंग्रेजी में भी बता दूंगा, बीजाणुद्भिद बोलते हैं, ठीक है। मुख्य शरीर युग्मकोद्भिद, अगली पीढ़ी बीजाणुद्भिद। मुख्य शरीर कौन? सर युग्मकोद्भिद है, ये भी युग्मकोद्भिद है, जो अगली पीढ़ी आई है उसका नाम है बीजाणुद्भिद। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। आप में से कितने बच्चों ने शब्द सुना है परजीवी? सुना है परजीवी, परजीवी पैरासाइट नाम सुना है, ठीक है। क्या होते हैं परजीवी? ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, किसके लिए? भोजन के लिए और आवास के लिए होते हैं ना। मान लो ये परजीवी है, ये पेन जो है इसको मैं मान लेता हूं ये एक परजीवी है, ठीक है। ये आया, जैसे जुए नहीं होती है, जुए आ जाती है, खून चूसती है, पोषण भी ले रही है, रह भी रही है ना। मान लो ये परजीवी है, ये मेरे पास आया और ये यहां पर आकर टिक गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है ये यहां पर रह भी रहा है और यहां पर पोषण भी ले रहा है, यानी ये आवास भी ले रहा था, जगह भी ले रहा है रहने के लिए और भोजन भी ले रहा है। मुझे नुकसान पहुंचाकर पोषण ले रहा है और जगह भी ले रहा है। ऐसे जीव को हम क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं। सिंपल सा था, समझ में आ गया। अब देखिए बेटा, ये जो था ना बीजाणुद्भिद, इस बीजाणुद्भिद को मैं यहां पर बना देता हूं, ये होता है बीजाणुद्भिद। कौन है ये? बीजाणुद्भिद। ठीक है, ये बीजाणुद्भिद जो होता है, ध्यान से सुनना, ये तीन भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में विभाजित होता है ध्यान से सुनना? तीन भागों में, जिसमें सबसे नीचे वाला भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं पाद। हंसने की कोई जरूरत नहीं है, पाद का मतलब क्या होता है? पैर होता है, जिससे कोई चीज जुड़ रही है, ठीक है। ये है पाद, ठीक है। फिर इसके बाद ये संरचना, ये वाला क्षेत्र, इसको बोला जाता है सीटा। सीटा, सीता नहीं, सीटा। ये क्षेत्र सीटा, ये क्षेत्र पाद, ठीक है। और बाकी बचा हुआ भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं? कैप्सूल, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, ये जो बीजाणुद्भिद जो है, ये जो बीजाणुद्भिद जो है, ये कैसा था? सोचिए, ये बीजाणुद्भिद किससे बनाया गया? युग्मनज। युग्मनज कैसा था? सर द्विगुणित था, उसकी कोशिकाएं विभाजन करती जा रही, 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 और एक संरचना बना दी। कौन सी? बीजाणुद्भिद। और ये बीजाणुद्भिद क्या है? द्विगुणित है। कैसा? ये द्विगुणित है, क्योंकि इसी युग्मनज के विभाजन से बना। ये युग्मनज विभाजन करता जा रहा, करता जा रहा, करता जा रहा, करता जा रहा है, जिससे बीजाणुद्भिद बना। युग्मनज भी कैसा है? द्विगुणित। तो बीजाणुद्भिद भी कैसा था? द्विगुणित था। यानी इस बीजाणुद्भिद की हर कोशिका कैसी है? द्विगुणित है। यानी इस कैप्सूल के अंदर कोशिकाएं मिल रही है, ध्यान से सुनिएगा, इस कैप्सूल के अंदर क्या मिल रही है? कोशिकाएं मिल रही है। हालांकि कोशिकाएं हर जगह मिलेंगी, मैं पर्टिकुलरली यहां पर कैप्सूल की कोशिका की बात कर रहा हूं, ठीक है। कोशिका यहां पर भी, ऐसा नहीं है, कोशिका यहां पर भी है प्रभु। कोशिका पाद में भी है, कोशिका सीटा में भी है, कोशिका कैप्सूल में भी है। मैं पर्टिकुलरली उन कोशिकाओं की बात कर रहा हूं जो यहां पर मिल रही है, किसमें? कैप्सूल में मिल रही है, जो द्विगुणित है। यस द्विगुणित है, हाँ जी है, द्विगुणित है, यस बिल्कुल द्विगुणित है, ठीक है। अब ये कोशिकाएं, ये कोशिकाएं ध्यान से सुनना, इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं
बीजाणु मात्र कोशिका, क्या बोलते हैं? बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? क्या यह है बीजाणुद्भिद? उमंग और अंड ने निषेचन किया, दोनों अगुणित थे, मिलकर क्या बनाया? युग्मनज। युग्मनज था कैसा? द्विगुणित, ठीक है। ये युग्मनज था, ये हरा वाला दिख रहा है, एक कोशिका थी। ये धमाई धम धमाई धम धमाई धम धमाई धम विभाजन करती जा रही है, धमाई धम धमाई धम धमाई धम क्या करती जा रही है? विभाजन करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, करते 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 एक संरचना बनाई, वो भी द्विगुणित है। युग्मनज भी कैसा था? द्विगुणित। ये भी द्विगुणित है। इसका नाम था क्या? बीजाणुद्भिद। हमने बीजाणुद्भिद की संरचना देखी, हमें पता लगा इसमें तीन क्षेत्र मिलते हैं, एक होता है कैप्सूल, एक होता है सीटा और एक होता है पाद, ठीक है। हमने पर्टिकुलरली बात करी कि जो कैप्सूल के अंदर जो कोशिकाएं होती है उनका नाम है बीजाणु मात्र कोशिका, यहां तक हमने बात करी, ठीक है। अब आप बोलेंगे ठीक है सर, यहां तक चीज समझ में आ गई, आपने वो परजीवी वाली बात क्यों कही थी? आपने कान में लगाकर वो परजीवी वाली बात क्यों कही थी? कही थी ना। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो बीजाणुद्भिद है बेटा जी, इसको भोजन चाहिए। क्या बोला? इसको चाहिए भोजन, क्योंकि ये नहीं कर सकता प्रकाश संश्लेषण। क्या बोला मैंने? इसको चाहिए भोजन, क्योंकि ये नहीं कर सकता प्रकाश संश्लेषण। अब जरा सोचिए, पढ़ रहे हैं वनस्पति, वनस्पति कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से। ये नहीं बना सकता, इसके अंदर प्रकाश संश्लेषी संरचनाएं नहीं है, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता, और इसको जगह भी चाहिए रहने के लिए। अब ये क्या करेगा? कौन? ये बीजाणुद्भिद, ये जो यहां पर दिखाया मैंने, ये बीजाणुद्भिद, ये जाएगा और चिपक जाएगा। अब आप खुद सोच समझ कर मुझे बता दीजिए, ये आपको किससे चिपकता हुआ दिखाई दे रहा है? दिमाग लगाया, ये आपको किससे चिपकता हुआ दिखाई दे रहा है? आप सीधा बोलेंगे सर, ये बीजाणुद्भिद जो है, कौन? ये बीजाणुद्भिद जो था, ये युग्मकोद्भिद से जाकर जुड़ गया। खुद देख लीजिए, ये कौन था मेरे भाई? ये कौन था? जरा सोचिए, ये कौन था? सर ये युग्मकोद्भिद है, दो बताए थे, ये भी युग्मकोद्भिद है और ये भी युग्मकोद्भिद था। बताया था नहीं बताया था? सोचिए, बताया था ना। कौन है? सर ये भी युग्मकोद्भिद है, है ना। इस युग्मकोद्भिद पर जाकर जुड़ गया कौन? बीजाणुद्भिद। क्यों? क्योंकि चाहिए आवास, रहने की जगह, और चाहिए क्या? पोषण। खुद कर नहीं सकता, खुद बना नहीं सकता, प्रकाश संश्लेषण कर नहीं सकता, तो इससे जाकर ले लेगा कौन? मुख्य पादप शरीर जो कौन था? युग्मकोद्भिद था। यानी बीजाणुद्भिद जो होता है वो युग्मकोद्भिद पर परजीवी होता है। बताएं, क्या ये इंपॉर्टेंट बिंदु याद रह जाएगा आपको? कौन? ये जो बीजाणुद्भिद होता है, ये खाना नहीं बना सकता, इसको जगह चाहिए रहने के लिए, तो ये जाकर चिपक गया किस पर? युग्मकोद्भिद पर। मैंने आपको दिखा दिया, ये लो चिपक गया युग्मकोद्भिद पर। अब यहां से पोषण भी ले लेगा और जगह मिली रही है रहने के लिए। एक तरीके से लीच का, या एक तरीके से जोंक का, या एक तरीके से जुए का काम कर रहा है, बस जाकर चिपक गया, ठीक है, बढ़िया। अब क्या होगा सर? अब इसके अंदर कैप्सूल में कोशिकाएं थी, हाँ जी थी सर। क्या नाम था उन कोशिकाओं का? जरा बताएं, मैंने अभी अभी आपको बताई थी कैप्सूल के अंदर जो कोशिकाएं थी उनका नाम क्या था? बीजाणु मात्र कोशिका। जो कैसी थी सर? द्विगुणित थी, ठीक है, नहीं थी? यस सर थी। बीजाणुद्भिद के कैप्सूल में कौन मिल रही थी सर? बीजाणु मात्र कोशिका। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल मिल रही थी, बीजाणु मात्र कोशिका मिल रही थी, बिल्कुल मिल रही थी। अब ये बीजाणु मात्र कोशिका कैसी थी सर? द्विगुणित थी। मैंने कहा हाँ द्विगुणित थी। अब क्या होगा सर? ये बीजाणु मात्र कोशिका जो द्विगुणित थी, इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा प्रभु? अर्धसूत्री विभाजन होएगा। आप जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन, मैं नहीं बताऊंगा, चैप्टर पढ़ा दिया अर्धसूत्री विभाजन। एक द्विगुणित कोशिका में, ये द्विगुणित कोशिका में, ये द्विगुणित कोशिका है,
द्विगुणित कोशिका, ये सारी की सारी द्विगुणित कोशिका, अगर इन कोशिकाओं में, इन बीजाणु मात्र कोशिका में अगर अर्धसूत्री विभाजन होगा बंधु, तो अब आप मुझे बताएं अंदर ही अंदर कौन सी कोशिकाएं बनेंगी? अगुणित बनेंगी। बनेंगी कि नहीं बनेंगी? बिल्कुल बनेंगी, अंदर बनेंगी अगुणित कोशिका, और उनका नाम है बीजाणु। उन अगुणित कोशिका का नाम है क्या? बीजाणु। तो फाइनली हमने बना दिए हैं का क्या? बीजाणु। अब ये बीजाणु का है सर, यहीं पर ही, अंदर ही है सर, अंदर ही अंदर क्या बन रहे हैं सर? बीजाणु बन रहे हैं। अरे अलग कलर नहीं चलेगा क्या? चलो चलाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अगर कोई अलग कलर चलता है तो। नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। अरे भैया चल जाओ, हरा ही चल रहा है। चलो हरा ही चला देते हैं। ये बन गए हैं क्या बेटा जी? बीजाणु। ये अंदर ही अंदर क्या बनते जा रहे हैं? बीजाणु बनते जा रहे हैं। भाई आप समझ गए ना इतनी सी बात कि कैप्सूल के अंदर कौन थी? बीजाणु मात्र कोशिका थी। अंदर कौन थी सर? बीजाणु मात्र कोशिका थी। बीजाणु मात्र कोशिका में क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन। अंदर ही अंदर क्या बनते जा रहे हैं सर? ये बीजाणु बनते जा रहे हैं। अब ये बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, अंदर भरे पड़े हैं, भर गए हैं, भर गए हैं। ये सारी बीजाणु मात्र कोशिकाएं बदल चुकी हैं, किसमें? अर्धसूत्री विभाजन कर दिया अंदर सारी बीजाणु मात्र कोशिकाओं ने, और अंदर भर चुके हैं क्या? बीजाणु ही बीजाणु, बीजाणु ही बीजाणु, बीजाणु ही बीजाणु अंदर भर गए किसमें? इस कैप्सूल में। अब ये कैप्सूल फटेगा क्यों? क्योंकि जरा सोचिए, जहां पर एक कोशिका एक से चार बन रही है, तो अंदर ही अंदर मान लो 100 थी ये आपकी बीजाणु मात्र कोशिका, 100 के 100 ने विभाजन करके कितने बना? 400 बीजाणु बना दी। अब जरा सोचिए, संरचना झेल नहीं पाएगी कैप्सूल, इतने सारे बीजाणु आएंगे तो क्या हो जाएगी? फट जाएगी। और जब ये फटेगी तो इमेजिन करो बाहर क्या निकलेंगे सर? बाहर निकलेंगे जमीन पर बीजाणु। निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? यस सर, निकलेंगे क्या? बीजाणु। कैसे हैं बीजाणु सर? अगुणित है। बताओ यहां तक की बात समझ में आ गई? गिर गए जमीन पर। कौन गिर गए जमीन पर सर? बीजाणु गिर गए। ये बीजाणु जो थे, जो बीजाणु मात्र कोशिका में, बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से जो बीजाणु बने थे, जो किसके अंदर मिल रहे थे? यहीं पर मिल रहे थे। ये कैप्सूल फटेगा तो ये निकलकर बाहर आ जाएंगे, ये बाहर आ जाएंगे, बाहर आकर गिरेंगे किस पे? जमीन पर गिर रहे। और इस जमीन के आसपास, ध्यान से सुनना, इस जमीन के आसपास पुनः हम जल बना देते हैं। हमारे ही तो हाथ में है, बना दिया भैया। क्या बना दिया? जल बना दिया। हमारे ही तो हाथ में है, जितना बनाना है उतना जल बनाओ। लेकिन वास्तव में ऐसा होता है ना? अब देखिए, यहां से क्या निकलकर गिर गए सर? बीजाणु। अब बीजाणु गिरे स्थल पर, लेकिन वो स्थल के आसपास जल भी है। उस स्थल के आसपास क्या है? जल भी है। अब ये बीजाणु क्या करेंगे सर? ये बीजाणु अंकुरण करेंगे, और अंकुरण करके, ध्यान से सुनना, ये बीजाणु क्या करेंगे? अंकुरित होंगे, और अंकुरित होकर कैसे है बीजाणु? अगुणित है। अंकुरित होकर क्या बनाते हुए दिखाई देंगे? ये सोचिए, ये बीजाणु अंकुरित होकर वापस से ऐसी संरचना बनाएगा, ये और वृद्धि करेगी, वृद्धि करेगी, ये क्या बन जाएगा? प्रभु जरा सोचिए, ये क्या बनेगा? दिमाग लगाओ, ये क्या बनेगा? सोचिए, ये क्या था हमारा लैंगिक अंग वाला? ये कौन था सर? युग्मकोद भिद्ध था। तो यही तो मैंने बोला, ये बीजाणु अंकुरित होकर क्या बनाएगा सर? ये बीजाणु अंकुरित होकर वापस से क्या बना देगा? युग्मकोद भिद्ध बना देगा। तो जरा सोचिए, युग्मकोद भिद्ध से क्या बना? बीजाणु भिद्ध। फिर बीजाणु भिद्ध से आगे चलकर वापस से क्या बना है? युग्मकोद भिद्ध बना है। तो मेरे ख्याल से आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। ये था जीवन चक्र। एक बार मैं वापस से दोहरा देता हूं जिनके ऊपर से गई है बात, ध्यान से सुनना।
ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम बात कर रहे थे ब्रायोफाइट के जीवन चक्र के बारे में। मैंने बोला ब्रायोफाइट का अगर जीवन चक्र देखना है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा उनका जो मेन शरीर जो है, मुख्य शरीर जो है, जो सारे कार्य करता है, प्रकाश संश्लेषण से लेकर भोजन निर्माण तक जो सब कुछ करेगा वो है कौन, युग्मकोद्भिद। और युग्मकोद्भिद हमेशा कैसा होता है, अगुणित होता है। इस युग्मकोद्भिद पर नर जनन अंग था पुंधानी, मादा जनन अंग है स्त्रीधानी, इनके अंदर जो कोशिकाएं वो भी कैसी हैं, अगुणित है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इन्हीं अगुणित कोशिकाओं से युग्मक यानी नर युग्मक कौन, पुमंग, और मादा युग्मक कौन, अंड बनेंगे। कौन से विभाजन से, समसूत्री विभाजन से, और जाकर गिर गए पानी में। ठीक है, पानी में हो गया निषेचन, निषेचन होने के बाद में कहीं ना कहीं बना युग्मनज। ये युग्मनज से, ये युग्मनज जो बना है, ये युग्मनज स्थल पर वापस से स्थलीय इलाके पर आएगा। मतलब कुल मिलाकर ये बिल्कुल वहां पर जहां पर पानी और स्थल होएगा ना, बिल्कुल वहीं पर ये युग्मनज विकास करेगा, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और एक संरचना बनाई, और इस संरचना का नाम था बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद ऐसा होता है जो तीन भागों में बटा होता है, पाद, सीटा और कैप्सूल। अब कैप्सूल का कार्य तो हल्का फुल्का आपको समझ में आ गई, ये पाद का कार्य क्या होएगा, मेरे ख्याल से ये भी चीज समझ में आ गई होगी कि बीजाणुद्भिद जो होता है ये कैसा होता है बेटा जी, युग्मकोद्भिद पर परजीवी, यानी इसको जाकर चिपकना पड़ेगा। किसको, इस बीजाणुद्भिद को जाकर युग्मकोद्भिद पर चिपकना पड़ेगा। लो जी चिपकाया, अब चिपकाने के लिए इसके पास कौन था, सर्पाद था। तो पाद का कार्य क्या था, चिपकने में सहायता करेगा, सर चिपक गया। और सीटा एक लंबा सा पतला सा एक सिंपल सा डंठल है, डंडी टाइप की संरचना है। पाद, सीटा, मीन कौन है, कैप्सूल। फोकस किस पर करेंगे, कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या मिल रही है, सर द्विगुणित कोशिकाएं मिल रही हैं, नाम है बीजाणु मात्र कोशिका। ये जो बीजाणुद्भिद जो था ये युग्मकोद्भिद पर जाकर चिपक गया, क्योंकि एक परजीवी है, उससे पोषण ले रहा है, आवास ले रहा है, पोषण लेता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, वृद्धि कर रहा है। और इसके कैप्सूल में जो कोशिकाएं हैं कौन, बीजाणु मात्र कोशिका, अर्धसूत्री विभाजन करेंगी और अंदर क्या बना देंगे, बीजाणु। अब वो बीजाणु इतने सारे बन जाएंगे कि अब कैप्सूल नहीं फूल पा रहा, तो कैप्सूल फट जाएगा, कैप्सूल फटेगा तो नीचे गिर जाएंगे कौन, बीजाणु। ये बीजाणु अंकुरित होकर वापस से, बीजाणु कैसे हैं, अगुणित, ये बीजाणु अंकुरित होकर वापस से क्या बना देंगे, युग्मकोद्भिद। खत्म। ये था बेटा जी पूरा जीवन चक्र किसका, हमारे ब्रायोफाइट का। अब पता नहीं ना जाने क्यों बच्चों को समझ नहीं आता है, आपको आया, आया कि ऊपर से गया, चीरता हुआ चला गया कि इस कान से या इस कान से गया और दिमाग में बैठ गया है। बताओ बैठ जाएगा या निकल जाएगा, बैठ जाएगा कि निकल जाएगा, बैठ जाएगा ना। ये था बेटा जी हमारे ब्रायोफाइट का क्या, जीवन चक्र। आपने याद रखना है सारी ए टू जेड चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, सारी की सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। पीढ़ी एकांतरण मिल रहा था, यस पीढ़ी एकांतरण मिल रहा है, एक ये भी पीढ़ी है, एक ये भी पीढ़ी थी, कौन, युग्मकोद्भिद और एक ये भी पीढ़ी थी, युग्मकोद्भिद। सेम सी दिखाने की कोशिश करता हूं, कहीं आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। ऐसे कोशिका यहां पर दिखा देता हूं, कहीं लगे आपको कि भैया ये क्या बना दिया है। बस अगुणित कोशिकाएं होती हैं युग्मकोद्भिद में, ठीक है। युग्मकोद्भिद है, ठीक है। और ये जो नीला वाला है ये है बीजाणुद्भिद, ये पूर्ण रूप से जो नीला है ये है बीजाणुद्भिद। नरजनन अंग, मादा जनन अंग। नर जनन अंग हरा हरा दिखाया, मादा जनन अंग नीला नीला दिखाया। आप बोलेंगे सर ऐसे होते हैं क्या, हरे नीले होते हैं क्या, प्रभु सिर्फ दिखाने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है भैया। जनन के लिए क्या चाहिए था, आवश्यकता थी किसकी बेटा जी, याद रखना किसकी, जल की। ये जल पर निर्भर होते हैं, ये था जीवन चक्र। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद जो हम चीज पढ़ने वाले हैं वो है क्या बेटा जी, आपका ये जो ब्रायोफाइट जो है, इसके हमने कितने लक्षण देख लिए, जरा सोचिए। इस ब्रायोफाइट में कुल मिलाकर बच्चे हमने ये बोलूंगा मेरे ख्याल से 6 लक्षण हो गए होंगे, 6, एक बार देख लेते, 6 ही हुए ना, 6 कैसे कैसे, ये बाकी यहां से ब्रायोफाइट स्टार्ट किया था, पहला, दूसरा, उसके बाद ये तीसरा, चौथा इसी का ये भाग था, ये चौथा भी भाग ही था, कंटिन्यू किया था, पांचवा शरीर की बात करी, और छठा हमारा जीवन चक्र था,
ये छठा बिंदु था किसका, जीवन चक्र। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा जी, यहां पर जो ब्रायोफाइट है, अब हम ब्रायोफाइट का क्या करने वाले हैं, वर्गीकरण करने वाले हैं। ये जो ब्रायोफाइटा, जैसे हमने थैलोफाइटा का वर्गीकरण किया, यस किया, तीन भागों में बांटा, यस बांटा, कौन कौन सा, आपका हरी शैवाल, भूरी शैवाल, लाल शैवाल, ऐसे ही बेटा हम ब्रायोफाइट का जब वर्गीकरण करते हैं तो दो समूह के अंदर बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक होते हैं, याद रखना कौन, भूल मत जाना, मैं आपको दिखा दूं दोनों, एक दिखाता हूं पहले, ये देखो दिखाई दे रहे हैं आपको, आ हा 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 हा, बड़ा अच्छा है सर, पत्तियां दिखाई दे रही हैं। ये है बेटा जी कौन, हमारे लीवर वर्ट। ठीक है, और दूसरा समूह जो होता है उसका नाम होता है मॉस। ठीक है, कौन, लीवर वर्ट और मॉस। तो दो भागों में बांटते हैं मेरे भाई किसको, ब्रायोफाइट को, लीवर वर्ट में और मॉस में। अब सबसे पहले दोनों में अंतर भी बताऊंगा और दोनों को साथ साथ पढ़ाऊंगा भी, दोनों में क्या अंतर है, लीवर वर्ट और मॉस में क्या अंतर है, मैं पहले दिखा देता हूं। ये है बेटा जी लीवर वर्ट। अब बोलेंगे सर ये तो पत्तियां हैं, नहीं ये पत्तियां नहीं, ये लीवर वर्ट है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, लीवर वर्ट के बारे में, नहीं हम लीवर वर्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे। आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि अब हम नेक्स्ट लेक्चर में यानी अगले लेक्चर में इन दोनों को पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। ध्यान से सुनिए, जो आज चीजें पढ़ाई है ना, ये 2 से 2.5 घंटे की चीजें हैं अगर ध्यान से पढ़े तो। यस, कंसेप्ट अगर देखे तो बहुत सारी चीजें बताई हैं। अगले लेक्चर में हम ये लीवर वर्ट और ये मॉस, ये है लीवर वर्ट, मॉस भी दिखा दो, चलो मॉस भी दिखा देता हूं। ये है बेटा जी हमारे लीवर वर्ट, ये भी लीवर वर्ट है, ये है मॉस, दोनों दिखा दिए मैंने। तो लीवर वर्ट और मॉस इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे किसमें, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे प्रभु। अच्छा एक और है मेरे पास मॉस, ये री मॉस, हाँ जी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है। तो लीवर वर्ट और मॉस ये दोनों हम पढ़ेंगे किसमें बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में। आज जो पढ़ाया है अच्छे से पढ़िएगा, एक एक बिंदु को ध्यान से पढ़िएगा। अभी मेरे भाई जो आज पढ़ा है एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूं जल्दी से, एक बार फिर से ब्रायोफाइट पढ़ा। ब्रायोफाइट पादप जगत के उभयचर हैं, जो वास्तविक स्थलीय पादप नहीं है। ब्रायोफाइट शब्द किसने दिया, खोज ब्रायोफाइट के जनक कौन है, ब्रायोलॉजी कौन है, वो सिंपल से बिंदु थे, है ना। ब्रायोफाइट को हम स्टियोफाइट इसलिए बोले क्योंकि ये छाया नमीदार इलाकों में मिलते हैं। इनका मुख्य पादप शरीर जो होता है उसका नाम है युग्मकोद्भिद, है ना। अच्छा आप ये पूछे कि सर अंग्रेजी में नहीं बताया, अरे बाबा एक बार अंग्रेजी में और बता दूं, एक मिनट दीजिएगा, मैं एक बार अंग्रेजी में और बता देता हूं बेटा जी, क्योंकि वो मेरे से छूट गया है अंग्रेजी में बताना। चलो एक सेकंड, माफ करिएगा, मैं एक बार अंग्रेजी में और बता देता हूं। चलो यहीं पर ही लिख देता हूं अंग्रेजी में, नीले अक्षर से लिख देता हूं अंग्रेजी में। ठीक है, देखिए युग्मकोद्भिद जो होता है इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं गैमीटो फाइट। क्या बोलते हैं, गैमीटो फाइट, किसको, युग्मकोद्भिद को। ठीक है, नर लैंगिक अंग यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन, पुंधानी और कौन, स्त्री धानी। ठीक है, पुमंग और अंड, हाँ जी इनको क्या बोला जाता है, ध्यान से सुनिएगा, नीले पेन से ही लिख दूं, अरे भैया जगह नहीं है कहां लिखूं। एक काम करता हूं अगली स्लाइड पर लिख देता हूं ये जो सारे है ना, या यहां पर लिख देता हूं, एक काम करता हूं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं अंग्रेजी में, पुंधानी जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में एंथ्रीडियम। ठीक, फिर उसके बाद स्त्री धानी आर्चिगोनियम, क्या बोलते हैं, आर्चिगोनियम। हो गया हमारा पुंधानी, हो गया स्त्री धानी, हो गया युग्मकोद्भिद, मैंने यहीं पर ही लिख दिया गैमेटोफाइट। उसके बाद पुमंग, इसको हम बोलते हैं यहां पर एंथेरोजॉइड,
क्या बोलते हैं? एंथेरोजॉइड पुमंग को, अंड को एग बोलते हैं। अंड सिंपल, क्या बोलते हैं? एग। ठीक है, बाकी युग्मनज को हम जायगोट बोलते हैं। बीजाणुद्भिद को मैं यहां पर लिख देता हूं, बीजाणुद्भिद को हम बोलते हैं, याद रखना, स्पोरोफाइट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, युग्मकोद्भिद को गैमेटोफाइट और बीजाणुद्भिद को यहां पर भी लिख देता हूं, स्पोरोफाइट। ठीक है, बीजाणु मात्र कोशिका, इसको यहां लिख देता हूं, बीजाणु मात्र कोशिका को अंग्रेजी में बोला जाता है स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। बीजाणु को अंग्रेजी में बोला जाता है स्पोर। लो जी, पूरा हो गया। ठीक है, तो गैमेटोफाइट मुख्य पादप शरीर था, जिस पर एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम ये लैंगिक अंग थे, है ना। एंथ्रीडियम ने बनाया एंथेरोजॉइड जो युग्मक थे, आर्चिगोनियम ने बनाया क्या? एग जो मादा युग्मक थी। दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ पानी में यानी वाटर में, जिससे क्या बना? जायगोट। जायगोट आगे चलकर विकास करता और क्या बनाता है? स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट के अंदर जो कैप्सूल होता है, यस यहां पर ना कैप्सूल को अंग्रेजी में कैप्सूल ही बोलते हैं, सीटा को सीटा ही बोलते हैं और पाद को बोलते हैं फुट। ठीक है, तो इसमें फुट सीटा कैप्सूल थे, जिसमें कैप्सूल के अंदर क्या मिल रही थी बेटा जी? आपकी स्पोर मदर सेल मिल रही थी। स्पोर मदर सेल ने क्या किया? मियोसिस की, अर्धसूत्री विभाजन, जिससे बना है स्पोर। ये स्पोर अंकुरित होंगे और क्या बना देंगे? गैमेटोफाइट अगेन। चलो जी, हिंदी इंग्लिश दोनों बता दिया है, बस। ठीक है, मिल गई ठंडक, मजा आ गया, चले आगे। तो बेटा जी ये आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी मैंने आपको बता दिए लीवरवर्ट मॉस ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज हमने इतना पढ़ा है, जाना नहीं, अभी समय हुआ है बेटा जी आपके क्विज का। पहला प्रश्न बहुत सिंपल से प्रश्न लाए, ज्यादा टफ नहीं लाए, सिंपल। ब्रायोफाइट का मुख्य पादप शरीर होता है, ब्रायोफाइट का मुख्य पादप शरीर, मुख्य पादप शरीर कौन था? युग्मकोद्भिद था, बीजाणुद्भिद था, दोनों थे या कोई नहीं था? जल्दी से बताएं, मुख्य पादप शरीर कौन था ब्रायोफाइट में? इजी है, ताजा ताजा पढ़ा है इसलिए लग रहा है, लेकिन इसी चीज को कोई बच्चा अगर 7-8 महीने बाद या 5-6 महीने बाद पढ़ेगा तो भूल जाएगा। अभी अभी पढ़ा है तो आपको इजी लगेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, लेकिन नीट में ऐसा प्रश्न आया है। हाँ जी, कर लिया। दूसरा, उपरोक्त में से किसे वनस्पति जगत का उभयचर कहते हैं? बहुत सिंपल आया है नीट में, मैं क्या करूं? अब ताजा ताजा पढ़ा है तो इजी लगेगा, है ना, क्या कर सकते हैं। हाँ जी, वनस्पति जगत का उभयचर किसको बोलते हैं? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, शैवाल, किसको बोलते हैं? कर लिया, सिंपल सा था। आइए, पहला प्रश्न था बेटा जी, मुख्य पादप शरीर जो होता है कैसा होता है, कौन था मुख्य पादप शरीर, कैसा था? अगुणित था। क्या नाम था? युग्मकोद्भिद। कौन था? युग्मकोद्भिद, सिंपल। दूसरा, कौन वनस्पति जगत का उभयचर कहलाता है? सिंपल, जो पानी, स्थल और जल दोनों से संबंध दिखा रहा है। वास्तविक स्थल ये नहीं है, वास्तविक स्थल ये नहीं है, नहीं है, जल पर निर्भर कर रहा है, समयनु तक नहीं थे। कौन था मेरे भाई? आपका ब्रायोफाइट। इन्हें वनस्पति जगत का उभयचर बोला जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, तो ये था बेटा जी आज का लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, यस कंप्लीट कर देंगे। आप बोलेंगे इतना ही है? यस इतना ही है, बस दो ही चीजें पढ़नी हमें इस ब्रायोफाइट में। एक पढ़ना है बेटा जी हमें लीवरवर्ट और एक पढ़ना है मॉस, खत्म। तो अगले लेक्चर में ब्रायोफाइट निपटा देंगे। ठीक है जी, तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, बाय बाय।